नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना, हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी निकल पड़े हैं यूपी के सफर पर। उनको देखने सुनने के लिए पहुंचे हमारे नए चैनल लल्लन टॉप यूपी पर, जहां ना सिर्फ चुनावी माहौल का पता चलेगा बल्कि देखने को मिलेंगे एकदम लल्लन टॉप व्लॉग्स, लाइव सेशंस और भी बहुत कुछ। तो तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब और पूछिए क्या हाल है यूपी, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। राजस्थान के अजमेर जिले के ब्यावर में पोस्टेड डीएसपी हीरालाल सैनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका एक कथित वीडियो वायरल हुआ था स्विमिंग पूल में महिला कांस्टेबल के साथ अश्लील हरकतें करते हुए। उस समय वहां एक छोटा बच्चा भी मौजूद था। महिला कांस्टेबल के पति ने इस बारे में शिकायत दर्ज कराई है। डीएसपी ने पूरे मामले को अपने खिलाफ एक साजिश करार दिया है। आज तक के शरद कुमार के मुताबिक डीएसपी हीरालाल सैनी को पुलिस ने उदयपुर में एक रिजॉर्ट से गिरफ्तार किया। राजस्थान के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने रिजॉर्ट पर छापा मारा था। वहां डीएसपी और महिला कांस्टेबल एक साथ ठहरे हुए थे। महिला कांस्टेबल के साथ एक बच्चा भी था। कहा यह जा रहा है कि संभवतः इसी वजह से महिला को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस मामले में एक थाना इंचार्ज को लाइन हाजिर भी किया गया है। आज तक के मुताबिक वीडियो सामने आने के बाद महिला कांस्टेबल के पति रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए नागौर चितवा थाने में गए थे, लेकिन FIR वहां पर दर्ज नहीं हुई क्योंकि मामला डीएसपी से जुड़ा हुआ था। इसी के चलते थाना अधिकारी प्रकाश चंद मीणा को लाइन हाजिर किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला सिपाही के पति ने थाने में दी शिकायत में ये बताया है कि 7 मई 2001 को उसकी शादी नागौर जिले की युवती से हुई थी। उसके बाद साल 2008 में उसकी पत्नी की नौकरी राजस्थान पुलिस में लग गई। उनके 6 साल का एक बेटा भी है। महिला कांस्टेबल ने 13 जुलाई 2021 को स्विमिंग पूल की कुछ तस्वीर और वीडियो अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाई थी। इनमें महिला का 6 साल का बेटा भी वीडियो में दिखाई दे रहा था, लेकिन हाल ही में एक और वीडियो भी सामने आया जिस पर लिखा था Part 2। ये वीडियो 2 मिनट 38 सेकंड का है। इसी में कथित तौर पर डीएसपी हीरालाल और महिला कांस्टेबल स्विमिंग पूल में नजर आ रहे हैं। उस वक्त कांस्टेबल का 6 साल का बच्चा भी वहीं पर मौजूद था। अश्लील वीडियो में बच्चे के दिखाई देने पर राज्य बाल संरक्षण आयोग ने भी संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने इसे गंभीर मामला बताते हुए नागौर पुलिस अधीक्षक से 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। साल 2018 से ही हीरालाल सैनी ब्यावर में पुलिस उपाधीक्षक पद पर तैनात हैं। कुछ दिन पहले उनका ट्रांसफर हुआ था, मगर उन्होंने ट्रांसफर अपना कैंसिल करा लिया। अब वो इस विवाद में घिर गए हैं। वीडियो वायरल होने पर डीएसपी हीरालाल सैनी ने कहा कि यह उनके खिलाफ साजिश है। वीडियो को काट छाट कर बनाया गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद डीजीपी ML लाठर ने 8 सितंबर को आदेश जारी करके हीरालाल सैनी को निलंबित कर दिया था। अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएसपी के खिलाफ विभागीय जांच पहले से चल रही है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के ADG अशोक राठौर ने बताया कि मामले में जांच SOG मुख्यालय से की जा रही है। ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये वीडियो किसने बनाया, किसने वायरल किया। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी डेविड ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।